दत्तात्रेय दुर्वासा और चंद्रमा, दत्तात्रेय तपस्वी महात्मा, दुर्वासा ऋषि अवधूत महात्मा, दुर्वासा ऋषि तपस्वी महात्मा और चंद्रमा का विवाह हुआ था। चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, 27 और राजा दक्ष की मौड़ियां थी, इरद राजा दक्ष का दमान था चंद्रमा। देखिए जब राजा दक्ष ने भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया तो चंद्रमा भी नहीं गया कि मेरी साड़ू चंद्रमा की खास साड़ू भैया है शंकर जी। जब मेरी साड़ू को निमंत्रण दिया तो चंद्रमा कान लगो मैं भी नहीं जाऊंगा भैया। तो जब चंद्रमा नहीं गया तो राजा दक्ष ने अपने दमाद चंद्रमा को भी श्राप दे दिया। अरे तेरे को तो मैंने अपनी 27 लड़कियां ब्याही ना, तू क्यों नहीं आया? जा मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि आज से तेरी कलाएं घट जाएं, तुझे क्षय रोग हो जाए, टीबी रोग हो जाए। सबसे पहले बद्धो चंद्र लोक में चंद्रमा को टीबी रोग होगा था, क्षय रोग। जब दक्ष ने श्राप दिया तो चंद्रमा उसी समय समुद्र में झमाक से कूद गया और इसने अपने को तीन भागों में विभाजित किया। एक भाग से चंद्रमा आकाश में अवस्थाधीश यानी वृक्षों को अमृत दान देने वाला होगा एक भाग से, और एक भाग से भगवान शंकर के मस्तक पर मणि बनकर पहुंचा, और एक भाग से आज अत्रि मुनि का बेटा बनकर आ रहा है। तीन भागों में विभाजित किया। भगवान शंकर के पास पहुंचा, भगवान भोलेनाथ ने इसको देखा, बोले भैया तुम बहुत कमजोर हो गए। ये रोने लगा, बाबा आपने गए तो मैंने गया, तो मेरे ससुर साहब ने मेरे को साफ दे दिया, मेरा शरीर टूटने वाला है। शंकर जी ने कहा, भैया साधु जब तुम शंकर जैसे साधु के पीछे इतना बड़ा श्राप शो धारण कर सकते हो तो आओ बेटा, चंद्रमा आज ये भोला तुझे मस्तक पर धारण करेगा। शंकर ने चंद्रमा को साड़ू है ना, साड़ू हो तो शंकर जैसा हो, साड़ू ने अपने साड़ू को मस्तक पर बैठा लिया। आजकल तो साड़ू साड़ू को दारू पी के कुछ पर में दू यार। धन है जीजा, शंकर जी ने अपनी साली गंगा को एक बरस तक खोपड़ी पे बैठा रहे, एक बरस तक रही बोलानी ओ गंगा शिव के जटन समानी। आजकल लोग कहते हैं जीजा साली का बहुत अच्छा रिश्ता है, नहीं है, जो शंकर गंगा का था खोपड़ी पे बैठा रहे। इस जमाने को जीजा बैठा रहे देख बे साली साय को कंधा भर दे दो मिनट में। ये प्रेम है, प्यार है जीजा, ये जीवात्मा का नाम जीजा है माताओं, और शरीर का नाम है जीजी। जीजी शमशान में जाती है, परिवर्तन होता है, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है वो है जीजा। जीजा जो कभी मरता नहीं है, मरता कौन नहीं, आत्मा। शरीर सबकी जीजी है, इसमें आत्मा है जीजा, आत्मा ही शिव है। जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, बीच में जीजा जी, जी जीव है ना, आत्मा और ब्रह्म के बीच में जीव है भैया। आदर के बंधो भगवान शंकर ने कहा, आओ मस्तक पर धारण करें, जाओ आज से तुम्हारी कलाएं बढ़ती चली जाएंगी, मैं वरदान दे रहा हूं, तो देखना मेरी माताओं, पहले चंद्रमा घटता है पर धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। ये अमावस्या के दिन आज भी भगवान शंकर के मस्तक पर पहुंच जाता है, तभी तो अमावस्या के दिन चंद्रमा रहता नहीं। तो चंद्रमा से वंश चला था, इसलिए इस वंश का नाम पड़ गया था चंद्र वंश। भगवान की जय हो। चंद्रमा का वंश आगे चला तो बुद्ध हुआ, बुद्ध की पत्नी का नाम था इला। इला वर्त से ही एक बहुत बड़ा क्षेत्र जिसका नाम पड़ा इलाहाबाद, इला के गर्भ से पुरुआ हुआ। ये चंद्रवंशी छत्री का लड़का है माताओं, इतना सुंदरता दा पुरुआ बाज ए वेरी ब्यूटीफुल बॉय, बहुत सुंदर लड़का था।
कि इंद्र की अप्सरा इस लड़के को देखकर प्रभावित हो गई कि उर्वशी भाग परी मृतलोक के लड़के के साथ शादी कराऊंगी। जब प्रुरुआ का वंश आगे चला तो छह पुत्र हुए, आयुष, सुतायु, रय, विजय और जय, इन्हीं के वंश में महाराज गादी हुए। गादी के वंश में महाराज गादी की बिटिया का नाम सत्यवती, सत्यवती ऋषिक मुनि को ब्याही है। इनके यहाँ जमदग्नि हुए, जमदग्नि के चार पुत्र हुए, छोटे बेटे का नाम परशुराम। इन्हीं के वंश में महात्मा विश्वामित्र हुए। देखिए विश्वामित्र जी चंद्रवंशी क्षत्रिय है, लेकिन गुरु वश ने इनको ब्राह्मण बना दिया था, क्योंकि जो चंद्रवंशी अक्री की जो पत्नी है कम से कम 1000 ये लड़का ब्राह्मण बने। मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं, इसमें सब कुछ लिखा है, अपने तरफ से कुछ नहीं कहते। विश्वामित्र चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, लेकिन ब्रह्म का ज्ञान होने से ब्राह्मण बना दिया था। यस सर्वे समारंभ काम संकल वर्धा ज्ञान दिगत कर्मणमत्तम पंडितम सबुधा। गीता महाराज मनु लिख रहे मनु स्मृति में, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूते पश्यति यस्सा पंडिता। जो हर माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन मानता है, हर माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी मानता है, परद्रव्येषु दूसरे के धन को मिट्टी जहर के समान मानता है, आत्म सर्वभूतेषु जो हर भूत प्राणियों के अंदर अपने गोविंद आत्मा रूप से देखता है, आत्म सर्वभूत यस्स पश्यति सः पंडिता। सचिव धीर धर कहे मृद बानी महाराज तुम पंडित ज्ञानी। इन्हीं के वंश में कई पीढ़ियों के बाद मेरे भगत प्रेमियों नहुष हुए। इन्हीं के वंश में महाराज ज्ञाति हुए। ब्रह्मा ऋषि भगवान काव्या छात्र बंधु सुनाहु सुचो राजन विश्व कस्माद विवाह प्रतिमिलो का। एक पुष्पर राजा नाम का राजा था, उसकी लड़की का नाम था शर्मिष्ठा और गुरु शुक्राचार्य की बिटिया का नाम था देवयानी। दोनों लड़कियों की बड़ी मित्रता थी। एक दिन पुष्पर राजा की बिटिया शर्मिष्ठा आई और देवयानी से कहने लगी, चलो बहन गंगा में स्नान करें। चलो गंगा में जाके खेल आइए मोरी खेली आइए खेली आइए खेल आइए। एक डुबकी चलो एक डुबकी लगाया मोरी पहना ले चलो गंगा में जाके नहाए चलो गंगा चलो गंगा में जाके नहाए। कोई मोड़ी गई गंगा में स्नान किए वस्त्र उतार दिए तो जल्दी जल्दी में शंकर जी नंदी पर बैठ कर आ रहे थे। दोनों मोड़ियों ने वस्त्रों की अदला बदली कर ली। राजा की बिटिया के वस्त्र ब्राह्मण की मोड़ी ने पहने और ब्राह्मण की बिटिया ने राजा की लड़की के वस्त्र पहन लिए। दोनों मोड़ियों ने होकर ही लड़ाई झगड़ा हो गया। उसने कह दिया सनी अवरधरी और सनी अवरधरी माने होती संस्कृत में कुतिया। मोड़ी ने दूसरी मोड़ी से कह दिया कुतिया कहूंगी, उसने कह दिया भिक्षुणी काटनी कहूंगी। जय मोड़ियों की लड़ाई। राजा की बिटिया ने ब्राह्मण की बिटिया की कलाई पकड़ी धकियां लें चली गई पीछे से कुगार।